हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से और जय माता दी। तो मैं नवरात्रि के बिजी डे में कैसे करती हूँ सब कुछ, आज मैं वो शेयर करने वाली हूँ आपसे। तो हाँ जी, मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और यहाँ पे देखिए मैं गार्डन और उस रूम को साफ़ कर लूँगी जहाँ पे माँ की चौकी सजा के रखी है मैंने। तो गार्डन भी आपको दिखा देती हूँ कि बहुत सारे फूल खिले हैं और ये काम में भी बहुत आ रहे हैं माँ की पूजा में। तो यहाँ पे आज तीसरा दिन नवरात्रि का, और आज तीसरे दिन का मैं पूरा शेयर कर रही हूँ आपसे पूरा डे। सबसे पहले मंदिर की और रूम की साफ़ सफाई कर लूँगी, उसके बाद शावर लेके पूजा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं शुरू कर चुकी हूँ पूजा। हाँ जी, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें तो नहीं आपको दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने हार फूल सब कुछ चेंज करके माँ की जोत जला ली है और अभी कर लूँगी आरती। थोड़ा सा क्लिप शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, तो आप भी देख लीजिए कि अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उपवास की थाली, और बहुत दिनों बाद आज किचन दिखा देती हूँ आपको। किचन भी दिखा दूँगी और उपवास की थाली भी आपको बना के दिखा दूँगी। तो देख लीजिए किचन कैसा है और रेसिपी बनाने के वक्त कैसा फैला रहता है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि आज जब भी हम किचन में होते हैं तो क्या क्या झेलना पड़ता है हमें, और वही दिखा देती हूँ आपको। क्योंकि उपवास में पूरा दिन कुछ नहीं, एक कप चाय और फिर थोड़ा सा फ्रूट खाती हूँ, इसलिए मैं शाम की रूटीन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पे चटनी, वो है अंगूर और आंवला की चटनी। तो मैंने थोड़े से अंगूर डाल लिए हैं इसमें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक आंवला काट के, और मैं डाल रही हूँ एक हरी मिर्च, क्योंकि मिर्च ज़्यादा नहीं खानी चाहिए उपवास में, इसलिए इतनी चटनी में एक ही हरी मिर्च। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ढेर सारा धनिया। धनिया डंडे के साथ डालेंगे तो बहुत ही अच्छी टेस्टी चटनी बनती है और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो नरम डंडियाँ हैं ज़रूर डालें। तो मैं ये डाल देती हूँ यहाँ पे धनिया ढेर सारा। तो उपवास में ज़्यादा चीज़ें स्टोर ना करें, ये चटनी सिर्फ 2 दिन के लिए है। हाँ जी, तो उपवास में बनाएं हमेशा ताज़ा खाना, और जितने लोग हैं उतना ही खाना बनाएं, जितना भी बचता है किसी के साथ शेयर कर दें, इससे अपने लिए भी अच्छा है, दूसरे के लिए भी अच्छा है। तो हाँ जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा। अभी चटनी को पीस लेते हैं। चटनी पीसने के वक्त जो आपकी चटनी काली हो जाती है, तो आप उसमें एक आइस का टुकड़ा डाल दें, आपकी चटनी कभी काली नहीं होगी। और जब भी स्टोर करें तो कांच की बरनी में स्टोर करें, कांच के बर्तन में। तो यहाँ मैं कांच के बर्तन में ही इसको ढक के रख दूँगी, ये काली भी नहीं होगी और कल तक बहुत ही अच्छी फ्रेश बनी रहेगी। उपवास में ये चटनी को आप आलू चाट वगैरह में हर चीज़ के साथ खा सकते हैं, और ये पौष्टिक भी बहुत है क्योंकि धनिया और आंवला इसमें है, तो ये ठंडी भी है। जैसे कि मैं शेयर कर रही हूँ आज उपवास की थाली, तो यहाँ मैंने चढ़ा रखी है साबूदाने की खीर। तो मैंने 1 लीटर दूध में 50 ग्राम साबूदाना भिगो के रखा था, वो डाल दिया है। इसमें डाली है 3-4 इलायची, ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं डालती हूँ इसमें, तो इसमें चिरौंजी दाना डालते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं सिंपल बना रही हूँ 3-4 इसमें इलायची डाल के, और खीर देखिए हो चुकी है, इतनी पतली ही ठीक है, वरना ये ठंडी होने के बाद बहुत ही गाढ़ी हो जाती है, साबूदाना बहुत थिक हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी रहती, बहुत टेस्टी रहती। तो ये मेरी खीर तो बन चुकी है, और साबूदाना खीर की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो पूरी रेसिपी देखनी है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब हम सारी तरफ काम कर रहे होते हैं फास्ट फास्ट, तभी कैसे होता है। यहाँ पे खीर चढ़ी, यहाँ पे आलू छील के रखे हैं बॉयल करके, और यहाँ मैंने काटी है कद्दू की सब्जी।
पेठा कद्दू की, धनिया काट लिया है, हरी मिर्च कट की है और दो टमाटर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पेठा कद्दू की सब्जी। तो हाँ जी, पेठा कद्दू की सब्जी भी आपसे शेयर कर देती हूँ कि उपवास में ये कैसे बनती है और कितनी अच्छी बनती है। हाँ जी, तो जैसे कि किचन आप देख लीजिए, बहुत टाइम बाद तो किचन, जैसे कि जब इतवार होते हैं बहुत अच्छा सा सेट किया था, लेकिन जब रेसिपीज बनती हैं तभी बहुत फैला फैला रहता है। और फिर भी दिखा देती हूँ आपको मैं किचन मेरा। हाँ जी, तो देख लीजिए शाम हो गई है और लाइट कम है अंदर, तो इसलिए अंधेरा दिख रहा है थोड़ा सा। तो हाँ जी, यहाँ पे खीर अपनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है, तो ज़्यादा गाढ़ी नहीं करूँगी इसलिए अभी इसको कर देती हूँ बंद और बनाते हैं अभी पेठे की सब्जी। तो हाँ जी, मैं थोड़ा सा दिखा रही थी कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है कुकिंग वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ मैंने सब चीज़ें रेडी करके रखी हैं शूट करने के लिए, ये सब चीज़ें डबल टाइम लग जाता है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मैग्नेट जो मैं लाई थी गोवा से, माथेरान से। बाकी इस वक्त तो दो ही लगा के रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का बड़ा शौक है। तो आज थाली में मैं राजगिरे के आटे की पराठे, टिक्की सब बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं राजगिरा का आटा दिखा रही हूँ कि आजकल कितनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। ये 58 का 200 ग्राम राजगिरा का आटा है, और सिंघाड़े का आटा तो और भी महंगा है। 150 रुपये का 200 ग्राम आटा था सिंघाड़े का। यहाँ पे पेठे की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो 2 चम्मच घी में मैंने लिया है जीरा, 1 चम्मच जीरा, जीरा तड़कने देंगे, और कटी हुई मिर्च डाल दी है, कुछ करी पत्ता डाल दिया है, कुछ फ्रेश धनिया भी डाल दिया है। धनिया पहले डालने से फ्राई होने के बाद में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी, 1/2 चम्मच हल्दी डाली है मैंने। आप मिर्च डालते हैं तो डाल लें लाल मिर्च, तो इस वक्त मैं हरी मिर्च खा रही हूँ तो हरी मिर्च ही डाली है मैंने। तो अभी मैंने डाले हैं कटे टमाटर 2, और उसके ऊपर नमक छिड़क के अभी ढक के इसको अच्छे से पका लूँगी। तो हाँ जी, उपवास की सब्जियों में ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ मैं, तब भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और अच्छी भी लगती है। तो हाँ जी, यहाँ पे अपने टमाटर एकदम गल गए हैं, एकदम अच्छे से पक गए हैं। तो अभी इसमें डाल लेती हूँ पेठे की सब्जी। तो पेठा मैंने पीला वाला लिया है, हरा कद्दू है तो वो थोड़ा जल्दी बनता है, तो यहाँ पीला कद्दू बना रही हूँ, ज़्यादा पसंद है मुझे। इसमें खट्टा भी डाला है, यानी कि आंवले का टुकड़ा भी एक डाल दिया है मैंने, जिससे और भी बढ़िया लगने लग जाता है और हज़म भी बड़ी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए पेठे को डाल के मैंने हल्का सा पानी डालूंगी कि थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में, और ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है। सब्जी को सिर्फ 5-7 मिनट लगे हैं, ये बहुत अच्छी तरह कुक हो गई है। और हल्की सी मैश करने के बाद मैं इसमें धनिया ढेर सारा डाल लूँगी, और ये देखिए अपनी बहुत ही अच्छी टेस्टी वाली सब्जी बन के तैयार है। यहाँ पे शाम की एक क्लिप शेयर कर रही हूँ कि पूजा करने के बाद सारी जोत को घर में घुमाएं, इससे घर में एनर्जी भी बनी रहेगी और घर में बरकत भी बनी रहेगी। तो इसलिए ये क्लिप मैंने आपसे शेयर कर दी है कि आपको भी ये जानकारी मिले, आप भी इसका फ़ायदा लें। हाँ जी, पूजा वगैरह हो चुकी है, तो यहाँ पे अब बना लेते हैं टिक्की। तो यहाँ पे मैंने राजगिरा का आटा लिया है, जिसको सील भी बोलते हैं, इसी से मैं टिक्की भी बनाऊंगी और पराठा भी। तो यहाँ पे मैंने आटे में मिलाया है 2-3 चम्मच दही, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट के लिए चाहिए। थोड़ा सा मिलाया है नमक, थोड़ा पुदीना पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला है धनिया हरा, और साथ में डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। तो हर चीज़ में नमक पड़ेगा इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डालें। यहाँ पे मैश्ड पोटैटो डालें, मैंने आलू को बॉईल करके मैश किया है और एकदम बारीक से, और इसमें मैं गूंद लेती हूँ इस आटे को। तो इस आटे को आप इतना को गूंदें कि जैसे टिक्की बनाते हैं या पराठा, थोड़ा सा हल्का टाइट रहेगा ये, और ये इसका पराठा बहुत ही नरम बनेगा और टिक्की भी बहुत मस्त लगेगी।
टिक्की बनाते वक्त उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ मूंगफली का पाउडर डाल लें तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो हाँ जी, आटा मैंने गूंथ लिया। अभी पैन में मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, रोटी यानी कि पूरी को और साथ में टिक्की को भी। तो मैं तो शैलो फ्राई करूँगी यानी पैन में ही पकाऊँगी। तो सबसे पहले मैं पराठा बेल के आपको दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे से ये पराठा बन जाता है और टूटता भी नहीं, एकदम नरम सा बन जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि हमने मैश पोटैटो इसमें डाले हैं यानी कि बॉयल आलू, तो ये बहुत ही नरम भी रहेगा, वरना बहुत हार्ड बनता है। तो हाँ जी, पराठे को मैं थोड़ा थोड़ा घी भी लगा के और बहुत अच्छे से सेक लूँगी, लाल और एकदम बढ़िया कुरकुरा पराठा रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे पराठा बन गया है, देखिए बहुत ही अच्छा बना है, आप भी ऐसे ही बनाएं। और टिक्की बनाते वक्त मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ मूंगफली का पाउडर डाला है इसमें, जिससे ये टिक्की और भी कुरकुरी और मस्त सी बनेगी। और आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च और भी मिला लें। तो हाँ जी, यहाँ पे देखिए अपनी टिक्कियाँ भी बन के बहुत अच्छी सी रेडी हो चुकी हैं। थोड़ा थोड़ा घी लगा के शैलो फ्राई किया है, आप डीप फ्राई भी करेंगे तो चलेगा। और इसको चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छी भी लगेगी, टेस्टी भी, हेल्दी भी होगी। तो अपनी उपवास की थाली रेडी हो चुकी है, अब थाली को अच्छे से सजा देती हूँ। सबसे पहले ये कद्दू की सब्जी है, ये पेठा कद्दू सीताफल। यहाँ पे मीठे में है खीर, ये साबूदाना की खीर है। यहाँ पे अंगूर, आंवला और धनिया की चटनी। और यहाँ पे हमारे राजगीरा के आटे की रोटी। देखिए साथ में मैंने रख ली है आलू वाली टिक्की, और अपनी थाली रेडी हो चुकी है। बहुत डिलीशियस थाली है, हेल्दी थाली है, और उपवास की थाली रेडी है। आपको कैसे लगी ये थाली तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय फ्रेंड्स।